उसके पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूँ जिससे आप समझेंगे कि जिस नेहरू गांधी परिवार के सामने कांग्रेस के नेता यस मैन की मुद्रा में रहते थे, कैसे आज वो उसी परिवार से इस्तीफे की मांग करने से नहीं डर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला इस्तीफा मांगा जा रहा है। देखिए मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट। हमें केवल आप पे विश्वास, हमें किसी और पे विश्वास नहीं है, सच बात यह है। साल 2004 में जब सोनिया गांधी ने अंतरात्मा की आवाज पर प्रधानमंत्री का पद संभालने से इनकार कर दिया था, तब ये वो नेता थे जो सोनिया से ऐसा न करने की विनती कर रहे थे। 18 साल बाद कांग्रेस का नेतृत्व वही है, चेहरे वही हैं, लेकिन अब उनके सुर बदले हुए हैं। अब तक जो विनती करते थे अब मांग करने लगे। अब हमें आग्रह नहीं करना चाहिए, हमें डिमांड करना चाहिए कि चेंजेस चाहिए पार्टी में, कि न केवल शीर्ष नेतृत्व लेकिन 90% लोग इस समय जो AICC में हैं, इनको भी बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 8 साल से केंद्र की सत्ता से कांग्रेस दूर है। लोकसभा में महज 52 सीटों पर कांग्रेस सिमटी हुई है और कभी पूरे देश में राज करने वाली कांग्रेस आज सिर्फ 2 राज्यों में अपनी सरकार चला पा रही है। तो सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सोनिया गांधी जो कांग्रेस की काम चलाऊ मुखिया है, क्या राहुल गांधी जो अध्यक्ष है भी नहीं और पार्टी पर्दे के पीछे से चला रहे हैं, या फिर प्रियंका गांधी जिम्मेदार है जो भले ही यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष न रही हूं, लेकिन कांग्रेस चुनाव तो उनके नाम पर ही लड़ रही थी। क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती है जब टाइम आएगा तो बताएंगे। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? इन सवालों के बीच कांग्रेस बटी हुई है। G23 के नाम से बने असंतुष्टों के गुट ने बुधवार रात गुलाम नबी आजाद के घर बैठक की। उसमें मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर से लेकर शंकर सिंह वाघेला जैसे गांधी परिवार के करीबी नेता पहुंचे। इन सब का मानना था कि कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन हो। 3 चीजें पुरानी अच्छी, एक तो शराब पुराना अच्छा, दोस्ती पुरानी अच्छी, लीडर नेता पुराना अच्छा, जिसको दुनिया का पता हो ये रास्ता कहा जाता है। चालू रेस में घोड़े बदले नहीं जाते, ये सेंटेंस अगर कोई राहुल गांधी को बोल देता तो इनके दिमाग में भी आता, बात सही है, नहीं बदल रहा है मेरे को, 6 महीने में क्या फर्क पड़ता था, मतलब इतने साल अगर निकम्मे थे तो 4 साल निकम्मे ही थे, समझ लीजिए। अगर वाघेला के बयान को डिकोड करें तो संतुष्ट खेमे की नाराजगी सबसे ज्यादा राहुल गांधी से है, और ऐसा इसलिए है कि राहुल गांधी से संपर्क साधना कार्यकर्ता तो दूर, नेताओं के लिए संभव नहीं होता। आज राहुल जैसे सलाहकारों से घिरे हैं, उसके कारण वो पार्टी के नेताओं और लोगों से कटते जा रहे हैं। राहुल के फैसले सही नहीं होते, जैसा कि पंजाब में कैप्टन को हटाकर हुआ, और संगठन खड़ा करने के लिए जो दमखम चाहिए वो दिख नहीं रहा। वाघेला की बातों को डिकोड करने के लिए आप उनके द्वारा दी गई अहमद पटेल की नजीर को समझिए। एक किस्म के कंसल्टेंट, सलाहकार, ओपिनियन मेकर, इनका अभाव पूरे देश की कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। सही आदमी अहमद भाई का रिप्लेसमेंट में सही आदमी आकर अगर संभाल कर पार्टी को संभाल दे तो शायद ये कोई G23 या ये ग्रुप या वो ग्रुप जानबूझकर ये इस तरीके की हवाबाजी करते हुए कांग्रेस पार्टी की असलियत में कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज ये गुब्बारा 23 बना रहे हैं, इनके पास कितना ताकत है, कितना दम है, सब जानते हैं। तो नेहरू गांधी बनाम सामूहिक नेतृत्व का सवाल अब बड़ा होता जा रहा है, जिसमें नजरें इस बात पर हैं कि नेतृत्व परिवार का रहेगा या कांग्रेस में अब पावर का बंटवारा होगा। दिल्ली से संवाददाता जैनेन्द्र कुमार के साथ आशीष कुमार सिंह की रिपोर्ट। ABP News।
आपको रखे आगे।